मीशो ने सेलर्स को परेशान तो बहुत ज़्यादा कर रखा है, एनी टाइम यहाँ पर प्रोडक्ट ब्लॉक हो जाते हैं, एनी टाइम यहाँ पर अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि टीम की तरफ से भी कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अब आप सभी के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने अपने तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा हाथ पैर चलाया, जिसका रिस्पॉन्स मुझे कुछ इस प्रकार का मिला। ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है मीशो के CEO का। तुम्हारे भाई को थोड़ा सा पंगे लेने की ज़्यादा आदत है। हालांकि इस मैटर पे हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे में भला कैसे काम किया जाए यहाँ पर। सो हेलो गाइज, मैं विपिन कुमार, ईकॉम कंसल्टेंट, ऑनलाइन बिजनेस कोच, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पारसार्थी क्लब में। गाइज, लेकिन ये समस्या वाकई बहुत ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि हमारे 150 से भी अधिक क्लाइंट्स के प्रोडक्ट बिना किसी रीज़न के ब्लॉक कर दिए गए। इवन काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट भी ब्लॉक कर दिए गए हैं जिन पर डेली के डेली 50 से 100 ऑर्डर्स रहा करते थे। कोई वैलिड रीज़न नहीं, रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स की, और साथ ही साथ रिटर्न रेशियो भी बहुत ज़्यादा कम उन प्रोडक्ट पे। अब ऐसे में नो डाउट सेलर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, आप सभी ये बात समझ सकते हैं। अब इन सभी प्रोडक्ट्स को वापस से लाइव करने के लिए हमने अपने तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करी, बट उसके बावजूद 70% प्रोडक्ट ही रिकवर हो पाए, रेस्ट 30% अभी भी ब्लॉक पड़े। अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम रिकवरी में आती ही इस कारण से है कि टीम मीशो कोई भी प्रॉपर रिस्पॉन्स देता ही नहीं है आपको। अभी पीछे हमारे पास एक केस आया था जिसमें एक प्रोडक्ट ब्लॉक कर दिया गया था पुअर क्वालिटी के अंदर, जिसकी रेटिंग थी 4.5 स्टार। तो हमने टिकट रेस किया कि ये प्रोडक्ट भला क्यों ब्लॉक किया गया है हमारा। तो उनके तरफ से रिस्पॉन्स आता है इस पर कि पुअर क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट की, इसी कारण से ये ब्लॉक कर दिया गया है। हमने बोला कि पुअर क्वालिटी आप किस हिसाब से कंसिडर कर रहे हो, जबकि इसकी रेटिंग 4.5 स्टार है। अगेन उनके तरफ से सेम रिस्पॉन्स आता है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसीलिए ये ब्लॉक कर दिया गया है। हमने दोबारा स्क्रीनशॉट भी अटैच किया दैट 4.5 स्टार रेटिंग है, तो आप किस बेसिस पे इस प्रोडक्ट को पुअर क्वालिटी कंसीडर कर रहे हो। उसके बावजूद भी आप सभी को विश्वास नहीं होगा, वही सेम रिस्पॉन्स कॉपी पेस्ट कर दिया गया। अब ये हाल चल रहा है मीशो का, बट अब ऐसे में भला काम कैसे किया जाए, इसका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले रीज़न समझो कि प्रोडक्ट और अकाउंट ब्लॉक किए ही क्यों जाते हैं, इसके बाद हम आएंगे सोल्यूशन। सबसे पहला और बेसिक रीज़न यहाँ पर है, कोई भी बैटरी प्रोडक्ट आप बिना ऑथराइजेशन लेटर के सेल करने का प्रयास करोगे तो 80% चांसेस है जैसे ही ऑर्डर्स आने आपके पास स्टार्ट होंगे वो प्रोडक्ट ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद दूसरा मेजर रीज़न है, जब भी आप कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करने का प्रयास करते हो, लाइक MI, Vivo, Oppo, etc. दुनिया भर के ब्रांड है, जब भी आप इन ब्रांडेड प्रोडक्ट को अपने पोर्टल पे लिस्ट करने का प्रयास करते हो तो ध्यान से समझिए होता क्या है। या तो इमेज के ऊपर ब्रांड का लोगो हुआ, या तो प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड का लोगो हुआ, या तो फिर प्रोडक्ट के पैकेजिंग पे ब्रांड का लोगो होगा। ऐसे इमेजेस का यूज़ करके जब भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो 90% चांसेस होते हैं कि वो या तो QC के दौरान ही ब्लॉक हो जाता है प्रोडक्ट, या तो फिर अगर QC पास भी हो जाता है तो जैसे ही आपके पास ऑर्डर्स आने स्टार्ट होते हैं वो तब ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है, यदि आपके इमेज में कोई ऐसा लोगो यूज़ किया गया है जो किसी फेमस लोगो से मिलता जुलता है, किसी फेमस ब्रांड से मिलता जुलता है, तो आपको क्या लगता है आपका प्रोडक्ट ब्लॉक होगा? ऑफ कोर्स हो जाएगा, क्योंकि मीशो के पास बिल्कुल दिमाग नहीं। अब मान के चलिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है, लोगो या तो इमेज पे हो कुछ इस प्रकार से, या तो फिर आपके प्रोडक्ट पे है इस प्रकार से। आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि एप्पल के जैसा लोगो जरूर है बट ये एप्पल नहीं है। लेकिन अगर आप इतना भी सिमिलर लोगो यूज़ करोगे तो भी आपका प्रोडक्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब एक और बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ आप सभी को समझाता हूँ, ये क्या है, ये है Z+। क्या ये कोई फेमस ब्रांड है? आप सभी को पता है ये कोई फेमस ब्रांड नहीं है, बट OnePlus इसके जैसा दिखने वाला कोई फेमस ब्रांड है। क्या ये भी ब्लॉक हो जाएगा? जी बिल्कुल, अगर थोड़ी सी भी सिमिलैरिटी रखोगे आप किसी फेमस ब्रांड के लोगों से तो आपका प्रोडक्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा। सो कुल मिला के आपको सिमिलैरिटी बिल्कुल भी नहीं रखनी, इवन मेरी अगर मानो तो इमेज पे किसी भी प्रकार की कलाकारी मत ही करो। अब इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, यदि आपने टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में कहीं भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी ब्रांड का नाम यूज़ किया है तो भी आपको ये सेम इशू भुगतना पड़ेगा। यदि आपके पास ट्रेडमार्क है तो आप अपना ट्रेडमार्क मीशो के साथ शेयर करिए, एंड इसके बाद आप अपने प्रोडक्ट के नेम के आगे मेंशन कर सकते हो अपने ब्रांड का नेम, लेकिन इसमें भी 30% चांसेस रहते हैं ब्लॉकेज के। लेकिन अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है
ये ब्रांड नेम जो ब्रांड 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 आप रट रहे हो, ये ब्रांड आपके मन से निकला हुआ कोई नाम है तो क्यों उड़ता तीर लेना है आपको, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता। ट्रेडमार्क अगर है ही नहीं तो किसी भी प्रकार का मनगढ़ंत नाम आप मत मेंशन करिए, ये आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकता है। अब इसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है रेटिंग। अगर आपके प्रोडक्ट की रेटिंग 3.5 स्टार से नीचे जाती है तो आपका प्रोडक्ट ब्लॉक होना तय है। अब मान के चलिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिस पे 4 स्टार रेटिंग है और अभी तक 100 रेटिंग आ चुकी है, डेली के डेली 5 नए लिस्टिंग और ऐड होते जा रहे हैं इसमें। अब इसमें कुछ ऐसा इशू हुआ कि हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। डेली के डेली जो 5 रेटिंग पहले आ रहे थे उनमें से 4 लोग 5 स्टार देते थे एंड एक कुछ ऊटपटांग रेटिंग दे के चला जाता था, लेकिन अब जब हमने अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करा तब जो 4 लोग रेटिंग दे रहे हैं वो पुअर रेटिंग दे रहे हैं और जो 1 दे रहा है वो थोड़ा बहुत एवरेज दे रहा है। अब इस केस में ओवरऑल रेटिंग पे तो किसी भी प्रकार का खास इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट विद इन अ वीक आपकी विजिबिलिटी सबसे पहले लिमिट कर दी जाएगी और 1 हफ्ते के बाद भी आपके परफॉर्मेंस में सुधार नहीं आता है, नई रेटिंग कंटिन्यूसली ख़राब आ रहे हैं तो इस केस में आपका प्रोडक्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा। ओह माय गॉड, नई नई कहानियाँ समझ में आ रही है। चलो अब इसी बात पे मूव करते हैं हम अगले पॉइंट पे। अब इसके बाद हमारा 6ठा पॉइंट है रिटर्न्स। ये पॉइंट आपको ध्यान लगा के दिमाग लगा के समझना होगा क्योंकि इसमें मैं ओवरऑल रिटर्न्स की भी बात करूंगा और प्रोडक्ट रिटर्न्स की भी बात करूंगा। अब यहाँ पर दो दो ट्विस्ट है, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले रिटर्न वाले टैब पे आइए, कोई भी एक प्रोडक्ट का रिटर्न ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आप फीडबैक चेक करिए सबसे पहले। तो अगर आपके फीडबैक में ये दो रीज़न मेंशन हो रखे हैं, ये दोनों रीज़न्स अगर आने लगे हैं, 2% से अधिक होने लगे हैं तो भाइयों सतर्क हो जाओ। आइडेंटिफाई करो सबसे पहले कि गलती हो किस पॉइंट पे रही है। अगर आपके तरफ से हो रही है तो आप सुधार करिए, यदि पैकिंग में कोई प्रॉब्लम है तो पैकिंग पे सुधार करिए। अब इसी प्रकार से एक एक करके सभी प्रोडक्ट को भी आपको चेक करना है, अगर आपको उसमें भी सेम मिस्टेक मिल रही है तो इंस्टेंटली सुधार करना है। इसके अलावा मूव करते हैं अब कैटेगरी वाइज। अब मान के चलिए हमारे पास 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं, स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हैं, स्टैंड, कैप, ग्लव्स एंड स्लिपर्स। मान के चलते हैं कि स्लिपर्स में हमारे पास रिटर्न्स 30% तक पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहे हैं, बट बाकियों में नॉर्मल है 5-7% तक। अब इस केस में आपको स्लिपर्स पे आए सभी फीडबैक को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि भला रीज़न क्या है, इतना ज़्यादा रिटर्न रेट जा क्यों रहा है। आप रीज़न समझिए, अगर इन पे काम किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल सुधारिए। और यदि आपको लगता है कि क्वालिटी आपके हाथ में नहीं है या फिर जो रीज़न वहाँ मेंशन है वो रीज़न आपके हाथ में नहीं है तो उस प्रोडक्ट को उठाइए और अपने एंड से पॉज कर दीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अब ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक लिमिट तक जब आपका रिटर्न रेट इंक्रीज़ होता है तो ये आपके प्रोडक्ट ब्लॉकेज का खतरा लेके आता है, बट जैसे ही लिमिट क्रॉस करने लगता है आपका रिटर्न रेशियो तो उससे क्या होता है आपके ओवरऑल रिटर्न रेशियो पे भी अंतर आता है, और ओवरऑल रिटर्न रेशियो अगर आपका बढ़ गया तो उस केस में आपका पूरा अकाउंट भी ब्लॉक होता है। सो बेटर आप सभी लोगों के लिए है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट का रिटर्न रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखो तो उस प्रोडक्ट को या तो उठा के पॉज कर दो या तो अगर सुधार किया जा सकता है तो उसमें सुधार करिए। सो गाइस, ये थे कुछ मेजर रीज़न आपके प्रोडक्ट एंड अकाउंट ब्लॉक होने के। अब अगर हमारा प्रोडक्ट ब्लॉक हो चुका है तो क्या ये रिएक्टिवेट हो सकता है? बिल्कुल रिएक्टिवेट हो सकता है, बट यदि आपके प्रोडक्ट ब्लॉकेज का रीज़न इन 6 पॉइंट्स में से कोई 1 पॉइंट है तो इस केस में रिएक्टिवेट होना नियर टू इम्पॉसिबल है। बट अगर आपको लग रहा है कि बिना किसी रीज़न के आपका प्रोडक्ट या अकाउंट यहाँ पर ब्लॉक किया गया है तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो यहाँ पर करना ही पड़ेगा, बिकॉज हम सभी ये बात जानते हैं कि इस पृथ्वी की अगर सबसे घटिया वाहिया टीम अगर कहीं है तो वह है मीशो में, क्योंकि एक बार में ना प्रॉपर किसी प्रकार का रिस्पांस मिलता है ना ही इन लोगों में एक पैसे की अक्कल है और इसी कारण से यहाँ पर डील करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। तो अब भला करना क्या है यहाँ पर? सबसे पहले तो आपको फ्रीक्वेंटली टिकट रेज करते जाना है एक के बाद एक, और हर एक टिकट में आपको कॉल बैक का रिक्वेस्ट ज़रूर मेंशन करना है, बिकॉज जितने भी टिकट्स पे रिप्लाई आएंगे वो सभी बिल्कुल वाहियात फालतू होंगे, किसी काम के नहीं होंगे, एकदम टाइम वेस्ट करने वाले होंगे आपके। तो कॉल बैक का रिक्वेस्ट डालिए और जैसे ही कॉल्स आने स्टार्ट होते हैं, जितने कॉल्स आए टीम मीशो की तरफ से सभी आपको अटेंड करने हैं, और कॉल्स आने जब भी आपके पास स्टार्ट होंगे उससे पहले ही आपके पास स्क्रिप्ट रेडी होनी चाहिए आपकी, दैट कौन कौन से पॉइंट्स आप शेयर करने वाले हो टीम मीशो के साथ। इसके अलावा आपको टीम मीशो पे थोड़ा सा प्रेशर बनाना पड़ेगा अपना काम करवाने के लिए, बिना प्रेशर बनाए यहाँ पर काम नहीं होने वाला है।
टिकट्स के भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठना कि आपने टिकट रेज किया अब उस पर कोई रिस्पॉन्स आएगा और उसी में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ऐसा कतई नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला है। आपको कॉल्स का वेट करना है, कॉल्स आने दीजिए, कॉल्स पे ही आपको सोल्यूशन ले लेना है, टारगेट आपका ये होना चाहिए। तो कुल मिला के आप सभी लोगों के लिए बेटर यही है कि इन 6 पॉइंट्स का ध्यान रखो और प्रोडक्ट को ब्लॉक ही मत होने दो। सो इसके अलावा आज की वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दीजिए फटाफट से लाइक, आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। इसके अलावा अगर नए हो इस चैनल पे, पहली बार देख रहे हो मुझे, पहली बार सुन रहे हो मुझे, तो इस चैनल को कर लीजिए अभी के अभी सब्सक्राइब, वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन करिए व्हाइट, और साथ वाला बेल आइकन भी कर दीजिए हिट, ताकि आपसे यहाँ की एक भी वीडियो मिस ना हो जाए। इसके अलावा यदि मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट में पूछ डालिए। आप सभी के कमेंट में पढ़ता भी हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, और जिन कमेंट्स पे ज़रूरी लगता है वीडियोस भी बनाता हूँ। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।